को समझ में नहीं आ रहा शुरुआत कहां से करें, खत्म कहां करें, तो मैं आपको एक बात एश्योर करता हूं, नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर आप यहां 2 घंटे बैठेंगे तो 2 के 2 घंटे आपकी जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। सो प्लीज बी विथ मी फॉर द नेक्स्ट आवर। सो हमारा जो टॉपिक है वो है करियर इन सिविल सर्विसेज, राइट। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे करियर की बात से, आखिर ये करियर चीज क्या है। कुछ समय पहले मुझे एक पेरेंट्स मिले एक पार्टी में, उन्होंने मुझसे पूछा कि सर यूपीएससी के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। मैंने कहा एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। फिर कहा कौन सा चैनल देखना चाहिए। मैंने कहा राज्यसभा टीवी देखो। कौन सी मूवीज, ये देखो। मैंने कहा कि आपका बच्चा कौन सी क्लास में है, तो उन्होंने कहा फर्स्ट में है। तो मैंने कहा थोड़ा लेट हो गया, कम से कम प्रेप से जो है वो पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए। सो इंडियन पेरेंट्स दे आर सो मच रोमांटिक, सो मच सेंटिमेंटल विद रिस्पेक्ट टू करियर। बचपन में जब क्लास 1 में एडमिशन होता है तो पेरेंट्स कहते हैं एक बार इस स्कूल में एडमिशन हो गया तो इसका लाइफ सेटल्ड है, करियर सेटल्ड। उसके बाद क्लास 10th आ जाएगा, तुमसे क्या कहा गया, एक बार क्लास 10th में मार्क्स ले आओ तुम्हारी लाइफ क्या हो गई, सेटल्ड। उसके बाद 12th आ जाएगा, फिर क्या कहा जाएगा, एक बार 12th में मार्क्स ले आओ लाइफ सेटल्ड। और लास्ट में कहा जाएगा, एक अंकल आएंगे घर पे, मामा जी आएंगे, क्या कहेंगे, एक बार बेटा इंजीनियरिंग कर लो उसके बाद पूरी लाइफ सेटल्ड। लेकिन लाइफ जो है वो कभी सेटल्ड नहीं होती, क्योंकि हर सपने के बाद एक सपना है, हर काम के बाद एक काम है, हर शाम के बाद एक शाम है, और हर सुबह के बाद एक सुबह है। क्योंकि आदमी के अरमान कभी जो है कम नहीं होते। गालिब को कोट करता हूँ, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, कितने निकले मेरे अरमान फिर भी अरमान कम निकले। यानी कि ड्रीम आपका जो है कभी पूरा होने वाला नहीं है, बिकॉज वी ऑल आर नाजी इन अवर माइंड, और हमारी लास्ट आखिरी सांस तक हम सपने देखते हैं। मुझे याद है जैसे वॉल्वो कंपनी का ऑक्शन होना था तो रतन टाटा ने कहा कि मैं पूरी रात नहीं सोया। रतन टाटा पूरी रात नहीं सोए जिनके पास सब कुछ है, यानी कि इस एज में भी रतन टाटा क्या देखते हैं, सपने देखते हैं। तो मेरा सबसे पहला आर्गुमेंट ये है कि करियर कभी सेटल नहीं होता, लाइफ कभी सेटल नहीं होती, बिकॉज लाइफ में कोई डेस्टिनेशन नहीं है। लाइफ इज अ जर्नी जो कंटिन्यूअस चलता रहेगा। गांधी जी ने 46 के एज में पॉलिटिक्स स्टार्ट किया और 49 के एज में वो इंडिया के सबसे बड़े लीडर बन गए। फाइन, 46 के एज के पहले गांधी जी इतने पॉलिटिक्स में नहीं थे। तो मेरा सबसे बड़ा आर्गुमेंट तो ये है। नाउ सेकेंड आर्गुमेंट इज अबाउट सिविल सर्विसेज। तो मैं ये पूरी तरह से साफ कर दूं कि मैं आपको ये बताने नहीं आया कि सिविल सर्विसेज इंडिया का सबसे अच्छा सर्विस है या वो सबसे बेस्ट सर्विस है, क्योंकि ये जो सोसाइटी है ह्यूमन बॉडी की तरह है। जैसा हमारा ये शरीर है, ये शरीर में ब्रेन है, तो ये कहना कि ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट है ये गलत होगा, क्योंकि आंखों के बिना ब्रेन किसी काम का नहीं है। ये कहना कि आंखें सबसे इंपॉर्टेंट है तो आंख जो है वो हाथ किसी बिना हाथ के किसी काम का नहीं है, हाथ जो है वो बिना धड़कते हुए दिल के किसी काम का नहीं है। यानी जिस तरह से बॉडी के हर पार्ट का इंपॉर्टेंस है, उसी तरह हमारी लाइफ में, हमारी सोसाइटी में हर प्रोफेशन का इतना ही इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ चैन से सो रहे हैं क्योंकि आर्मी का ऑफिसर वहाँ पर जाग रहा है, बट उस आर्मी का ऑफिसर का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उस आर्मी ऑफिसर को सैलरी कहाँ से मिलती है, वो टैक्स से मिलता है। यानी बिजनेसमैन का काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो आर्मी ऑफिसर बीमार पड़ता है तो उसको एक डॉक्टर चाहिए, यानी डॉक्टर का काम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद वो आर्मी ऑफिसर चैन से बैठा हुआ है क्योंकि उसका बच्चा यहाँ संगोला में पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि टीचर का काम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी अभी चली जाए तो पूरा का पूरा कार्यक्रम ठप हो जाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। एक इलेक्ट्रिशियन का काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आर्गुमेंट नंबर 2, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है, हर प्रोफेशन अपने अपने मायने में सही है। सरकार चलाने वाले भी अच्छे लोग हैं, रिक्शा चलाने वाले भी अच्छे लोग हैं, पेन चलाने वाले भी अच्छे लोग हैं, और बंदूक चलाने वाले भी अच्छे लोग। बंदूक मतलब बॉर्डर पुलिस, ओके। सो कोई भी करियर खराब नहीं है, सारे करियर जो है अपने आप में अच्छे हैं। अब इसके बाद मैं सिविल सर्विसेज पे आता हूँ कि ये सिविल सर्विसेज आखिर चीज क्या है। बार बार सुनने को मिलता होगा यूपीएससी, एमपीएससी, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, ये वो। बस मैं थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ जाऊंगा। क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जब हमारे देश में आई, ब्रिटिश शासन, तो ऐसा कहते थे कि ब्रिटिश के राज में क्या नहीं डूबता, सूरज नहीं डूबता। यानी पूरे हर देश में ब्रिटिश का राज चलता था। लेकिन जब वो इंडिया आए तो उनका दिमाग पूरा खराब हो गया। दिमाग क्यों खराब हुआ,
क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि देश का मतलब है एक भाषा, एक धर्म, एक रेस, एक जाति, एक रंग। पर हिंदुस्तान आकर के उन्होंने देखा कि ना तो यहाँ पर एक जाति के लोग हैं, ना एक धर्म के लोग हैं, ना एक भाषा के लोग हैं, कंप्लीट डाइवर्सिटी है। उनका दिमाग जो है बिल्कुल काम करना बंद कर गया कि इस देश को आगे रूल करे तो कैसे करे, इतनी डाइवर्सिटी है। मैं कश्मीर में जब पोस्टेड था तो शिवरात्रि का दिन था, हमारे एक सर थे कश्मीरी पंडित रहना सर, मैं उनके घर गया तो उन्होंने कश्मीर शिवरात्रि के दिन में मुझे जो है मटन परोसा। मैं देख करके चौंक गया, शौक हो गया कि शिवरात्रि के दिन सर मटन। तो उन्होंने कहा कि जो कश्मीर के जो हिंदूज है वो शिवरात्रि के दिन मटन खाते हैं, लेकिन बाकी जगह के हिंदू जो है वो शिवरात्रि के दिन मटन नहीं खाते। यानी यहाँ पर क्या है, डाइवर्सिटी है। जिस दिन दुर्गा माँ की पूजा होती है उसी दिन दुर्गा माँ ने जिसका वध किया था भस्मासुर, उसकी पूजा करने वाले असुर ट्राइब भी इसी देश में है। मैं एक शादी अटेंड करने गया था बिहार, तो वहाँ लोगों ने बताया कि दिवाली के दिन वो राम भगवान को गाली देते हैं। मैंने कहा भाई राम भगवान को गाली क्यों देते हो दिवाली के दिन, तो कहा क्योंकि राम भगवान का ये ससुराल है और यहाँ प्रथा है दामाद को गाली देने की। यानी कि बाकी जगह राम की पूजा पर एक जगह गाली, यहाँ तक कि रावण का भी एक मंदिर है नोएडा के पास में। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ इतने डाइवर्सिफाइड नेशन को रूल करने के लिए ब्रिटिश को ऑफिसर्स की ज़रूरत थी, उन्हें ऐसे लोग चाहिए थे जो कि देखने में तो इंडियन हो, बात करने में इंडियन हो, लेकिन उनकी मेंटेलिटी, उनकी सोच जो पूरी तरह से क्या हो, ब्रिटिश हो। और 1857 रिवॉल्यूशन, मंगल पांडे की क्रांति के बाद में 1861 में जन्म हुआ इंडियन सिविल सर्विसेज, उसको समय इंपीरियल सिविल सर्विसेज भी कहते थे। और हम ये पूरी तरह से जानते कि हमारे जो सिविल सर्वेंट्स थे वो बेस्ट माइंड के ब्रिटिश ने उठाया। सबसे पहले सिविल सर्वेंट थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, वो सबसे पहले इंडिया के सिविल सर्वेंट थे। सुभाष चंद्र बोस भी सिविल सर्वेंट हुए, लेकिन इन सारे के सारे सिविल सर्वेंट्स ने ब्रिटिश राज में केवल एक ही काम किया, क्या किया, देश को लूटा, लूटा और लूटा। अब आप कहेंगे इतना होशियार आदमी, इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतना तेज आदमी देश को कैसे लूट रहा है, तो गांधी जी को कोट करता हूँ, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज अ सिन। यानी किसी आदमी के पास नॉलेज है और कैरेक्टर नहीं है तो वो कैसा होगा, बहुत ही डेंजरस होगा। तो देश हमारा आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद में नेहरू और गांधी ने यह कहा कि ये जो सिविल सर्वेंट्स है, IAS ऑफिसर्स है, इन लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्य को क्या किया है, सर्व किया है, हम इन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनकी मेंटेलिटी कैसे है, ये ब्रिटिश सोच के है। तो इसके बाद सरदार पटेल ने कहा कि अगर हम सिविल सर्वेंट्स को इंडिया से हटा दें, IAS IPS ऑफिसर्स को इंडिया से हटा दें, तो पूरा देश का सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, केओस में आ जाएगा। यानी कहने का क्या मतलब है, जो सिविल सर्वेंट्स है वो हिंदुस्तान का बैकबोन है, दे आर बैकबोन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। और सिविल सर्विसेज में हम किसको लेकर के आते हैं, हम लेकर के आते हैं IAS को, IPS को, IFS को, ऐसी तमाम सर्विसेज हैं। हम सिविल सर्विसेज के बारे में निटिग्रिटी पे बात करेंगे, टेक्निकल पे बात करेंगे जब आपके क्वेश्चंस आएंगे। अभी मैं अभान को मंच दे रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि मैं जितना बोलूँ उससे ज़्यादा आपको सुनूँ, आपकी तरफ से मैक्सिमम सवाल लेने चाहिए। प्लीज़ बी टोटली इनफॉर्मल, एक दोस्त की तरह, एक बड़े भाई की तरह मुझे समझे, और जितने सवाल आते हैं अभान के स्पीच के बाद जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।